आगे बढ़ेंगे और आपको बता रहे हैं अगली खबर, बीजेपी का विधानसभा चुनाव पर फोकस। मध्य प्रदेश में अगले साल होने हैं विधानसभा चुनाव, चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने खुद को किया स्पीडअप, फिर हिंदुत्व की पिच पर उतरने के दिए हैं संकेत। आपको बता दें ओंकारेश्वर टेम्पल ऑफ टाउन और राम वन गमन पथ को लेकर भी पार्टी सियासी एजेंडा सेट करने में जुट गई है। भोपाल से अगली बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बीजेपी का विधानसभा चुनाव पर फोकस दिखाई देता है। मध्य प्रदेश में अगले साल होने हैं विधानसभा चुनाव, आपको बता दें चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने खुद को स्पीडअप कर लिया है। आपको बता दें फिर से हिंदुत्व की पिच पर उतरने के संकेत दिए हैं बीजेपी ने, और आपको ये भी बता दें ओंकारेश्वर टेम्पल ऑफ टाउन और राम वन गमन पथ को लेकर भी पार्टी सियासी एजेंडा सेट करने में जुट गई है। बात करेंगे रिजवान से। रिजवान, जिस तरह से बीजेपी का अब जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर पूरा फोकस तैयार है, और देखा जाए तो चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने आपको काफी स्पीड अप कर लिया है, काफी नई रणनीतियां तैयार कर ली हैं, और ये भी कहने को मिल रहा है अब हिंदुत्व की पिच पर उतरने के संकेत दिए हैं, क्या जानकारी है इस खबर को लेकर? देखिए सभी राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं, और अगर बीजेपी जो है अभी सत्ता में है और किसी भी तरह की चूक जो है ना हो उसको लेकर जो है तैयारियां जो है बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं। हालांकि अभी वहाँ का जो हिंदुत्व की जो है बात की जाए तो हिंदुत्व के जो है बढ़ती जो है बीजेपी दिखाई दे रही है, क्योंकि राम वन गमन पथ और जो है ओंकारेश्वर टेम्पल ऑफ टाउन को लेकर जो है अब जो है बीजेपी इसकी ओर जो है एजेंडा तैयार करने की जो है कवायद शुरू कर रही है। हालांकि जो है 2023 में विधानसभा चुनाव होना है और उसको लेकर बैठकों का दौर भी जो है लगातार जारी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार इसको लेकर जो है स्पीड अप जो है कह सकते हैं कि तैयारियां जो है उन्होंने भी तेज कर दी हैं। लगातार बैठकों का दौर जो है बीजेपी में जारी है और तमाम जो प्रदेश स्तर के जो नेता हैं वो इसमें जो है शामिल हो रहे हैं, और जहाँ जहाँ पर जो है जहाँ पर जो है विधानसभा जो चुनाव हारी है बीजेपी वहाँ पर किस तरीके से मजबूती ला जाए और बूथ स्तर पर अपना किस तरीके से जो है लोगों से बात की जाए उसको लेकर जो है तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं उसको लेकर जो है इससे पहले भी लगातार बैठकें कर चुके हैं और जो प्रभारी मंत्रियों से जो है बात कर चुके हैं, और उनका यही कहना है जो केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है वो जनता तक पहुँचाई जा सकें ताकि जो जनता को सरकार की योजनाओं के बारे में पता चले, एक बार फिर जो है रिटर्न बीजेपी जो है प्रदेश में सत्ता काबिज कर सके। जी रिजवान, जिस तरह से ओंकारेश्वर टेम्पल ऑफ टाउन और राम वन गमन पथ को लेकर भी पार्टी सियासी एजेंडा सेट करने में जुट गई है, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए हिंदुत्व की पिच पर जो है बीजेपी अब बढ़ती दिखाई दे रही है, और यही वजह है जो महाकाल का एक बड़ा महाकाल लोकार्पण का एक बड़ा कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है उज्जैन में किया गया था, और अब जो है रामगन वन जो पद है उसको लेकर जो है एजेंडा जो है तैयार करने की जो है बात की जा रही है। तमाम जो मुद्दे हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं उसको लेकर जनता के बीच जाए और बूथ स्तर पर अपनी मजबूती बनाए और जो कार्यकर्ता हैं उनको साधने की जो है यहाँ पर कोशिश की जा रही है, ताकि किसी भी तरह जो है जो जहाँ पर विधानसभा चुनाव जो बीजेपी हारी है वहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, वहाँ के जो हारे हुए विधायक हैं और जो पूर्व में जो जीते हुए जो विधायक हैं और जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात करने की जो समन्वय बनाने की वहाँ पर कोशिश की जा रही है। तमाम जो प्रदेश स्तर के जो नेता हैं वो बीजेपी के वहाँ पर जा रहे हैं और बैठकों का जो दौर है वहाँ पर चल रहा है, ताकि जो है जहाँ पर चुनाव हारे हैं वहाँ पर जो है एक बार फिर जो है बीजेपी का जो है कमल खिल सके। जी जी रिजवान, आप बने रहिए अगली खबर पर भी हमारे साथ। आपको बता दें फिर हिंदुत्व की पिच पर उतरेगी बीजेपी और बीजेपी का विधानसभा चुनाव पर फोकस रहेगा, और अगले साल के विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है बीजेपी ने।